जब भी बात करें एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में तभी बात आती है। एक्सिस बैंक के अंदर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का नाम सामने आते हैं, बहुत सारा कैटेगरीज का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि हर कोई हर कैटेगरीज का क्रेडिट कार्ड वो ले ले। इसलिए कौन सा क्रेडिट कार्ड आखिर में आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड आखिर में आपको लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगे तो आपको अच्छा खासा एक बेनिफिट या फिर एक बढ़िया एक फीचर्स मिल सकते आपको पता नहीं होते हैं। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही है वही, यानी मेरा जो भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ सारे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बताता हूँ कि एक्सिस बैंक के अंदर कितना टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड है और हर टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, आखिर में कैसे आपको लेना होगा या फिर इनका एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है, फीस एंड चार्जेस क्या है, जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूँ। इनका मतलब ये नहीं है कि मैं बता दूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना चाहिए चाहिए, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर एक ह्यूज इनकम या फिर ह्यूज बेनिफिट आपको मिल सकते। मैं कोई भी वीडियो पे ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के मामले में बहुत सारा नाम सामने आते हैं, बहुत सारा कैटेगरीज का क्रेडिट कार्ड सामने आता है। कुछ इस तरह से ही एक क्रेडिट कार्ड के इंट्रोड्यूस करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर, यानी उस क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर्स है, सब कुछ मैं इस वीडियो पर बताने के लिए कोशिश करूँगा। और उस क्रेडिट कार्ड का नाम है LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, यानी LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड क्या आखिर में आपको लेना चाहिए या फिर अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन इनका बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस एंड चार्जेस क्या है, सब कुछ जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आपको जानना है LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पर आप स्किप मत करिए, नहीं तो हो सकता कि बहुत कुछ आप मिस कर जो जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते। सो फ्रेंड्स, रॉयल रियल टेक, तो जब भी बात आता है LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया का, तो सबसे पहले आते हैं अगर आपका मिनिमम उम्र होता है 18 साल और अगर आपका मैक्सिमम उम्र होता है 70 साल तो आप LIC एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आप ले सकते हो LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट सेलिब्रिटी का बात करें, अगर आप एक इंडियन इंडिविजुअल हो तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, यानी NRI पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को नहीं ले सकते। अगर बात करें फीस एंड चार्जेस का, तो अगर आप LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको कुछ फीस एंड चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन इन पर बहुत कम फीस एंड चार्जेस है एज़ कम्पेयर टू दूसरा कार्ड। जहाँ पर बात करें अगर ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल फीस तक, तो भी जो भी प्राइमरी कार्ड होल्डर रहेगा यानी जिनके नाम पे कार्ड रहेगा उनका भी, और जो भी एड ऑन कार्ड होल्डर रहेगा उनके लिए भी कोई भी ज्वाइनिंग एनुअल फीस कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही सब कुछ नीले। लेकिन अगर आपका कार्ड खो देते हैं या फिर चोरी होते हैं या फिर कोई भी मिसयूज होते हैं, और अगर आपका कार्ड रिप्लेस करते हो तो आपका रिप्लेसमेंट फीस रहेगा 100 रुपीज़। अगर आप कैश पेमेंट करते हो यानी आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल अमाउंट रहेगा वो अमाउंट अगर आपका नज़दीक कोई भी ब्रांच पे जाकर, यानी एक्सिस बैंक कोई भी ब्रांच पे जाकर अगर आप सबमिट करते हो यानी जमा करते हो कैश का रूप पे, तो उनके लिए आपको चार्जेस भरना होगा 100 रुपीज़। अगर डुप्लीकेट पेमेंट की बात करें, या फिर चार्ज स्लिप रिवर्सल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी या फिर आउटस्टैंडिंग चेक फी, मोबाइल अलर्ट्स, ट्रांजेक्शन हॉट लिस्टिंग, बैलेंस इंक्वायरी, फाइनेंस चार्जेस यानी रिटेल परचेस एंड कैश, किसी का भी आपको चार्जेस देना नहीं होगा एक रुपया भी। अगर चार्जेस लगता भी है तो फिर से वो चार्जेस वापस यानी रिवर्स कर दिया जाएगा। अगर कैश विड्रॉल फी की बात करें यानी आपका LIC एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपका नज़दीकी कोई भी ATM मशीन से कैश विड्रॉ करते हो तो भी आपको चार्जेस भरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ सकते 2.5% के हिसाब से, और आपका मिनिमम चार्जेस रहेगा 500 रुपीज़ और मैक्सिमम कोई भी सीमा नहीं है। जितना भी आप कैश विड्रॉ करोगे, जितना भी अमाउंट आप निकालोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। अगर ओवरड्यू पेनल्टी की बात करें या फिर लेट पेमेंट फी की बात करें, तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल आप ठीक समय पे पेमेंट करते हो तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक समय पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको चार्जेस भरना पड़ सकते हैं। जहाँ पे अगर आपका मिनिमम ओवरड्यू अमाउंट होता है 300 रुपये उससे कम तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आपका अमाउंट रहता है 300 से ज़्यादा और
500 या फिर उससे कम तो भी आपको चार्जेस देना होगा 100 रुपीस। और LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का जो भी चार्जेस शेड्यूल रहेगा वो शेड्यूल आप ठीक तरह से देख लीजिएगा जब भी आप LIC एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तब। तो जहाँ पे ओवरड्यू पेनल्टी की बात करते हैं तो आपका ओवरड्यू पेनल्टी शुरू होगा 100 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक जा सकते हैं। जितने भी आपका ओवरड्यू अमाउंट रहेगा उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। अगर ओवर लिमिट पेनल्टी की बात करें तो आपको चार्जेस भरना पड़ सकते 2.5% के हिसाब से और आपका मिनिमम ओवरड्यू अमाउंट होगा 500 रुपीज़। यानी मिनिमम आपका पेनल्टी रहेगा 500 रुपीज़ और ऊपर से जितने भी आपका ओवर लिमिट रहेगा उस हिसाब से आपका पेनल्टी भरना होगा। अगर चेक रिटर्न और डिसऑनर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल का बात करें तो आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी ऑटो डेबिट इनेबल है या फिर चेक रिटर्न होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो आपको चार्जेस भरना होगा जो रहेगा 2% के हिसाब से और आपका मिनिमम चार्ज रहेगा 450 रुपीज़। और बाकी जितना भी आपका अमाउंट रहेगा उस हिसाब से आपका चार्जेस बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, लेकिन 450 से कम नहीं कटेगा। मिनिमम 450 रुपीज़ ही आपको चार्जेस भरना होगा। अगर सरचार्ज ऑन IRCTC टिकट, यानी अगर आप IRCTC के थ्रू कोई भी टिकट बुकिंग करते हो और आपका पेमेंट मेथड अगर रहता है LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड तो आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। जो भी सरचार्ज रहेगा एज पर द IRCTC टर्म्स एंड कंडीशंस आपको भरना पड़ेगा। अगर फेल ट्रांजेक्शन सरचार्ज की बात करें तो अगर आपका LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी फेल भराते हो और वो अमाउंट अगर रहता है 400 से लेकर 4000 रुपीज़ तक तो आपका सरचार्ज वेवर हो जाएगा 1% के हिसाब से और आपका मैक्सिमम सरचार्ज वेवर मिलेगा 400 रुपीज़ पर मंथ। यानी 400 रुपीज़ आपको पर मंथ मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपका फ्यूल ट्रांजेक्शन अमाउंट होते हैं 400 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ तक तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका फ्यूल ट्रांजेक्शन अमाउंट 400 से कम होता है या फिर 4000 रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो कोई भी आपको सरचार्ज वेवर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी का बात करें तो अगर आपका LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना पड़ेगा 3.50% के हिसाब से। कोई भी मिनिमम ट्रांजेक्शन का चार्जेस नहीं है, जो भी आपका अमाउंट रहेगा जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। अगर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीमशन फी की बात करें, यानी आपको जो भी रिवॉर्ड्स पॉइंट देखने के लिए मिलेगा वो रिवॉर्ड्स पॉइंट जब भी आप रिडीम करोगे तब आपको चार्जेस भरना होगा 30 रुपीज़ प्लस GST। एक बात ध्यान रखना, जो भी चार्जेस मैं ऊपर बताया हूँ वो सब चार्जेस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ही लागू होगा। यानी जो भी GST भी इनके साथ इंक्लूड होगा। इस जगह पे GST का कोई भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा जब भी आपका क्रेडिट कार्ड आप इशू करते हो तो बैंक से ठीक तरह से पूछ लीजिएगा कि कितना रुपीज़ आखिर में आपको चार्जेस भरना होगा। अगर बेनिफिट एंड फीचर्स की बात करें तो अगर आप LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो हर ट्रांजेक्शन में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का अगर बेनिफिट एंड फीचर्स की बात करें तो अगर आपका LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिनिमम 100 रुपीज़ का LIC प्रीमियम भरते हो तो आपको 2 कार्ड का रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएगा। मतलब जितने बार भी आप स्पेंड करोगे मिनिमम 100 रुपीज़ यानी LIC प्रीमियम अगर भरते हो आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट करके मिल जाएगा एवरी स्पेंड। और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे भी आपको मिलेगा 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट कट करें। लेकिन अगर आप किसी दूसरे जगह यानी फ्यूल वॉलेट लोड एंड EMI कन्वर्सेशन अगर बात करें तो इसी जगह पे अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड पर मिलेगा 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट। जो भी रिवॉर्ड्स पॉइंट रहेगा वो रिवॉर्ड्स पॉइंट आप रिडीम भी कर सकते हो एज अ वाउचर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका रिवॉर्ड्स पॉइंट रिडीम करोगे तब आपको चार्जेस भरना होगा 30 रुपीज़ प्लस GST पर रिडीमशन। अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर की बात करें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर मिलेगा और 2 क्रेडिट लिमिट। और 3 लाख रुपीज़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा और 1 करोड़ रुपीज़ का एयर एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिलेगा। जो भी कार्ड होल्डर है वही सिर्फ और सिर्फ ये ले सकते। लेकिन ये बात अलग है कि जो भी नॉमिनी रहेगा नॉमिनी भी ये क्लेम कर सकते। अगर एक्सिस बैंक डाइनिंग डिलाइट्स की बात करें तो अगर आप एक्सिस बैंक डाइनिंग डिलाइट एक्सेस कर सकते हो तो जहाँ पे आपको 20% कट कर ऑफ देखने के लिए मिलेगा
इनका 4,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट पे जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अवेलेबल है। अगर आप आपका LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी EMI पार्सल करते हो या फिर EMI पे कन्वर्ट करते हो तो भी आपको एक कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आपका मिनिमम कन्वर्टेशन ट्रांजेक्शन अमाउंट होना चाहिए 2,500 रुपीज़, यानी 2,500 रुपीज़ अगर मिनिमम आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है तो उस अमाउंट को आप EMI यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हो। LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट, फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया, लेकिन इसी जगह पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जितना भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुका हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में, उससे ज़्यादा LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का अंदर बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पे इस जगह पे अगर बात करें दूसरे क्रेडिट कार्ड का, कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लोगे तो इस जगह पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग एनुअल कुछ भी फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगा, मतलब फंड के अंदर ट्रांजेक्शन मार्कअप या फिर EMI कन्वर्जन, ऐसा कुछ जगह पे कुछ सिंपल चार्जेस लिया गया जो नॉर्मली लिया जाता है, जहाँ पे कैश पेमेंट फी, कैश ड्रॉल फी जो सभी क्रेडिट कार्ड के अंदर लागू होते हैं वही सिर्फ लागू होगा, दूसरा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यानी दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी चार्जेस लिया जाते हैं नॉर्मली, जो ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस जो भी रहते हैं LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो आपका कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं लिया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। तीसरी जगह पे और एक बात बताना चाहूँगा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, इस LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट फीचर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि मैं बता दूँ कि आपको ये क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए, क्योंकि LIC एक्सिस बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड हाँ सही में बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है और बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है प्रोवाइड कर रहे, लेकिन आप खुद ही ठीक तरह से जानिए। मेरे हिसाब से जो भी डिटेल्स था, जो भी अपडेट था, सबको मैं बता दिया, और अगर कोई भी और चीज़ आपको जानना है, अगर आपको कोई भी और चीज़ आपको पता करनी है तो आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके लिए खोला है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे वही चीज़ कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। सो आशा करते हैं जो टेंशन बात में स्पिन किया आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ है। अगर वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वीडियो है।